दोस्तों, हमारे देश के पहले कानून मंत्री और देश के संविधान निर्मात्री सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन भारत के लोगों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने बचपन से ही काफी संघर्ष किया, विषम परिस्थितियों में मेहनत करते हुए आगे बढ़े, उच्च शिक्षा हासिल की, विदेशों में पढ़े, कई विषयों में उन्होंने डॉक्टरेट किया और भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व सिर्फ इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारत के स्वतंत्र भारत के संविधान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहा जाता है, उसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को जोड़ने का भी प्रयास किया। यह दुर्भाग्य है कि आज अंबेडकर और उनकी शिक्षाओं की सही व्याख्या बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अंबेडकर को एक जाति का, एक वर्ग का नेता बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अंबेडकर संपूर्ण भारत, समस्त भारतीयों के नेता थे और उन्हें इसी रूप में देखना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में दो विवाह किए थे। उनका पहला विवाह रमाबाई से हुआ था। रमाबाई उनकी पहली पत्नी थी और उनके विवाह के कुछ वर्ष के बाद उनका निधन हो गया था, जिसके बाद लगभग 13 वर्ष तक डॉक्टर अम्बेडकर ने विवाह नहीं किया। वो अविवाहित रहे, लेकिन इसी दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से वो परेशान थे और उनकी बिगड़ती हुई सेहत की वजह से वो देश में जिन अभियानों से जुड़े थे, वह कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे थे। वह स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना कर रहे थे, उस कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा वह देश में शोषितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हितों को सुरक्षित करना चाहते थे, देश से जातिवाद द्वेष को समाप्त करके समस्त भारतवासियों को एक समान पायदान पर, एक समान दृष्टि से वो देखना चाहते थे और चाहते थे कि देश में समरसता कायम हो। इसके लिए जो वो अभियान चला रहे थे, वो भी उनकी खराब सेहत की वजह से प्रभावित हो रहा था। अब हम यहाँ पर आपके सामने चर्चा करेंगे उस ब्राह्मण महिला की, उस सारस्वत ब्राह्मण परिवार की बेटी की, जो डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी पत्नी बनी, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की सेवा की उस दौर में जो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जब उनकी जान को खतरा था, वो गंभीर रूप से बीमार थे। तो लगातार कई वर्षों तक सारस्वत परिवार की बेटी डॉक्टर सविता, जो कि उस जमाने में आज़ादी के पहले MBBS डॉक्टर थी, बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर थी, उस समय उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का निवेदन स्वीकार किया, उनसे विवाह के लिए सहमति दी और सिर्फ विवाह ही नहीं किया, उनके विवाह के पहले ही उनका ट्रीटमेंट करती थी, उनका इलाज करती थी और लगातार उनकी सेवा करती रही। स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि सविता के उनके जीवन में आने की वजह से उनकी उम्र कम से कम 10 साल और अधिक बढ़ गई। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर की पहली शादी 1906 में हुई, जब वो मात्र 15 वर्ष के थे। उनका पहला विवाह रमाबाई से हुआ और यह वैवाहिक जीवन बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ता रहा। शादी के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई करते रहे और वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश भी गए और उन्होंने वहां से लौटने के बाद देश में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की। डॉक्टर अम्बेडकर के पहले विवाह से, यानी रमाबाई से जो उनका विवाह हुआ, रमाबाई के विवाह के फलस्वरूप उनकी 5 संतानें थी, लेकिन उनके बड़े बेटे यशवंत राव ही लंबे समय तक जीवित रह पाए, बाकी संतानें उनकी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाई। डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे यशवंत राव ने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की थी, हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़े राजनीतिक दल की शुरुआत की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उन्हीं के द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे यशवंत राव के द्वारा बनाया गया राजनीतिक दल है, जो आज भी विद्यमान है और आज भी महाराष्ट्र में मजबूत। 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में एक बहुत ही दुखद समय आया, जब उनकी धर्मपत्नी रमाबाई का निधन हो गया। रमाबाई अस्वस्थ रहती थी, बीमार रहती थी और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने डॉक्टर अम्बेडकर को झकझोर दिया, वो बिल्कुल अकेले हो गए, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। वो आंदोलनों में जुटे रहते थे, वो तमाम बड़े विषयों पर काम कर रहे थे और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही। 1935 में रमाबाई की मृत्यु के बाद अगले 13 सालों तक डॉक्टर अम्बेडकर अकेले रहे, एकाकी जीवन जीते रहे और उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। 1940 में उनकी मुलाकात एक MBBS डॉक्टर से हुई, जो कि ब्राह्मण परिवार की बेटी थी और उस समय वह अपना इलाज कराने के सिलसिले में उनके पास गए थे और उनसे मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई।
1940 के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की सेहत में काफी गिरावट आ गई। उन्हें डायबिटीज हो गया था और डायबिटीज की वजह से उन्हें पैरों में तकलीफ रहती थी, पैरों में दर्द रहता था, न्यूरोपैथिक पेन होता था, इंसुलिन भी उन्हें उस दौर में लेना पड़ता था और तमाम मेडिसिन उन्हें लेना पड़ता था। इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें सुझाव दिया कि वो एक ऐसी महिला से विवाह करें जो मेडिकल पेशे की भी जानकारी हो, जो उन्हें अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी उपलब्ध करा सके और उनकी सेवा कर सके। डॉक्टर सविता ने कई वर्षों तक डॉक्टर अम्बेडकर का ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बेहद समर्पण के साथ डॉक्टर अम्बेडकर का इलाज किया। उनके इलाज से डॉक्टर अम्बेडकर को काफी फायदा हुआ, उनकी सेहत बेहतर हो गई और डॉक्टर अम्बेडकर को यह आभास हुआ कि उन्हें एक नया जीवन मिला। डॉक्टर सविता ब्राह्मण परिवार से थी और उस समय देश में डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, लेकिन डॉक्टर सविता प्रगतिशील विचारों की महिला थी और ब्राह्मण समाज का एक सकारात्मक चेहरा उन्होंने दुनिया के सामने रखा। डॉक्टर अम्बेडकर के निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था, डॉक्टर सविता की उम्र बहुत कम थी और उस जमाने में वो MBBS डॉक्टर थी, यानी उनके पास बहुत कुलीन घरानों से शादी के प्रस्ताव भी आ रहे थे, तमाम बड़े बड़े परिवारों से प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अम्बेडकर के अंदर एक ऐसा महापुरुष दिख रहा था जो भारत को सामाजिक समरसता की ओर ले जाना चाहता था, जो भारत को विकास की ओर ले जाना चाहता था, जो भारत को खुशहाली की ओर ले जाना चाहता था। डॉक्टर सविता को ये लगता था कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी जाति या किसी वर्ग के लिए नहीं, देश के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, देश के संपूर्ण समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश में नफरत भेदभाव को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का स्वस्थ रहना और लंबे समय तक जीवित रहना आवश्यक है और इसलिए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अपने मेडिकल कैरियर की उन्होंने परवाह नहीं की, दोनों के बीच उम्र का जो अंतर था उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की, जाति और संस्कारों की भी उन्होंने परवाह नहीं की। दोनों के परिवारों के बहुत से सदस्य उनके मेलजोल और उनके विवाह की खबर से नाराज थे, डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे और उनके तमाम रिश्तेदार नाराज थे, लोगों ने उन्हें उलाहने भी दिए कि वो ब्राह्मण परिवार की ही बेटी से शादी क्यों कर रहे हैं, वो अपने समाज के कमजोर वर्ग की जातियों से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की महिला से दूसरा विवाह क्यों कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न खड़े हुए। डॉक्टर सविता के सामने भी प्रश्न खड़े हुए कि डॉक्टर अम्बेडकर से वो शादी क्यों कर रही हैं, वो किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति से, किसी बड़े परिवार के व्यक्ति से शादी क्यों नहीं करती। लेकिन डॉक्टर सविता को यह आभास था कि डॉक्टर अम्बेडकर बेहतर भारत के लिए, भारत के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वह डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति समर्पित हो गई और 1948 में नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर सविता कबीर का विवाह हो गया। एक तरफ एक वो नेता जो कमजोर वर्गों के स्वाभिमान का प्रतीक था, जिसे दलित नेता कहा जाता था, अछूतों का नेता कहा जाता था, एक तरफ डॉक्टर सविता जो कि ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। दोनों के विवाह ने देश में तमाम तरह की चर्चाओं को जन्म दिया, बहुत से प्रगतिशील लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की, ब्राह्मण समाज के भी प्रगतिशील लोगों ने इसकी तारीफ की और दूसरे वर्गों के लोगों ने भी इसे देश के लिए एक शुभ संकेत बताया। वहीं बहुत से लोगों ने इसको लेकर राजनीति भी की, तमाम गंभीर आरोप लगाए, विरोध भी किया। डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा के साथ मरते दम तक डॉक्टर अम्बेडकर की सेवा की, लगातार उनकी सेहत का ख्याल रखा और डॉक्टर अम्बेडकर की एक समर्पित सेविका, समर्पित धर्मपत्नी के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कई बार अपनी धर्मपत्नी, अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता की प्रशंसा की और यहाँ तक कि उन्हें नवजीवन, नया जीवन देने का क्रेडिट भी दिया, इस तरह से भी उन्होंने उनके बारे में कहा। लेकिन डॉक्टर सविता को जीवन भर तकलीफें सहनी पड़ी, खासतौर से डॉक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद उन्हें तमाम गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा, तमाम घटिया आरोप उनके ऊपर लगाए गए। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हो गई तो बहुत से लोगों ने, बहुत से कथित दलित नेताओं ने डॉक्टर सविता पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की साजिशन हत्या कर दी, वो ब्राह्मण थी इसलिए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या की, ऐसे घटिया आरोप भी लगाए गए। हालात इतने गंभीर हुए कि तत्कालीन केंद्र सरकार को, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को डॉक्टर अम्बेडकर की मौत की जाँच के आदेश देने पड़े। एक हाई लेवल की कमेटी ने डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु की जाँच की और उसके बाद डॉक्टर सविता को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया, पूरी तरह से ईमानदार पाया गया। डॉक्टर सविता ने
डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बाद लंबे समय तक उनकी विधवा के रूप में अपना जीवन बिताया, जबकि काफ़ी कम उम्र में वो विधवा हो गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कम उम्र में उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया था, उन्हें नया जीवन दिया, उनकी सेवा करी, उनका इलाज किया और उनके न रहने पर तमाम आरोप भी सही, तकलीफें भी सही, फिर भी वह अम्बेडकर के मिशन से जुड़ गई। उन्होंने अम्बेडकर की भांति ही बौद्ध परंपराओं का अनुसरण किया और डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को उनके न रहने पर भी वह जीवन भर आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कई स्थानों पर अपनी पुस्तकों में और साहित्य में ये लिखा, अपनी दूसरी पत्नी की प्रशंसा की और इस बात को जाहिर किया कि किस तरह से डॉक्टर सविता के उनके जीवन में आने के बाद उन्हें मदद मिली, उन्हें सहयोग मिला और डॉक्टर सविता से उन्हें कितना समर्पण मिला। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बाद तमाम उनके अनुयायियों ने उन पुस्तकों से इन अंशों को हटा दिया। बहुत प्रयास किया गया इस बात का कि दुनिया के सामने ये बात ज़्यादा प्रचारित ना हो कि एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने, एक ब्राह्मण महिला ने डॉक्टर अम्बेडकर की जान बचाई, डॉक्टर अम्बेडकर की सेवा की, उनका इलाज किया। बहुत से लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि समाज में ब्राह्मणों और दलितों के बीच जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ कम ना होने पाए, वो दूरियाँ मिटने न पाए, वो दूरियाँ बढ़ती रहें, नफरत बढ़ती रहें। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मण समाज की उस महिला के बीच, ब्राह्मण समाज के बीच इस तरह से बेहतर रिश्ते बने। एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई विसंगतियों का विरोध भी करते थे, कई विषयों पर उनके मतभेद थे, दूसरी तरफ उन्होंने जब डॉक्टर सविता का समर्पण देखा तो ब्राह्मणों को लेकर जो उनकी विचारधारा थी उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ कहा। और ज़रूर इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। किसी भी समाज में तमाम तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हैं और समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पुरानी बीमारियों, पुराने घावों का इलाज करने की आवश्यकता है, समाज को समय के साथ स्वस्थ होने की आवश्यकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में ही यह प्रयोग किया, उन्होंने अपने ही जीवन में इस बात को धरातल पर उतारा, सामाजिक समरसता के लिए कई बड़े काम किए और उनके जीवन में ब्राह्मण समाज से जो लोग जुड़े उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनका जीवन आज पूरे देश की, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डॉक्टर सविता अम्बेडकर को तमाम तकलीफें झेलनी पड़ी, उन्होंने स्वयं के जीवन को एक दायरे में सीमित कर लिया, जितना उनसे हो सका उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन जब अम्बेडकर के न रहने पर उनसे जुड़े तमाम लोग डॉक्टर सविता के खिलाफ हो गए तो वो बहुत समय तक एकाकी जीवन भी उन्होंने जिया और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनका जो सानिध्य रहा उस पर एक मराठी भाषा में पुस्तक भी उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने तमाम संस्मरणों की चर्चा की। इसके अलावा उनके जीवन पर, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर एक फिल्म बनाने में भी उन्होंने योगदान दिया जिससे डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष दुनिया के सामने आए। कई दलित लेखकों ने, कई विद्वानों ने डॉक्टर सविता के योगदान की सराहना भी की है। दलित समाज के बहुत से लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर सविता की बड़ी भूमिका डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में रही है और उनके मिशन में रही है और उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद दलित समाज के भी बहुत से लोगों ने डॉक्टर सविता के योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मान देने पर जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद डॉक्टर सविता राज्यसभा आए, उन्हें कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। डॉक्टर सविता ने कहा कि वो अम्बेडकर के मिशन को वैचारिक रूप से आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद उन्हें बहुत सी ऐसी बातें कांग्रेस के हिसाब से करनी होगी जो शायद डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप न हो, इसलिए उन्होंने राज्यसभा सदस्य का ऑफर ठुकरा दिया था। डॉक्टर सविता लंबे समय तक संघर्ष करती रही और वो उनकी जो पुस्तक बाबा साहेब बंचया सत मराठी भाषा में पुस्तक है, ये पुस्तक इसका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में हो चुका है और इस पुस्तक को आप सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं तमाम पुस्तकालयों में, इंटरनेट पे बहुत जगह डॉक्टर सविता के बारे में आपको जानकारियां मिलेंगी। और 2003 में 94 वर्ष की उम्र में, 2003 में 94 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी पत्नी, उनकी निकट सहयोगी डॉक्टर सविता का निधन हुआ और उसके बाद
उनकी निधन की जो खबर थी उसे भी छिपा दिया गया, उसकी भी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन बचाने वाली ब्राह्मण समाज की तेजस्वी बेटी, जो देश के आज़ाद होने के पहले ही एक MBBS डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित थी, जिसने अपना कैरियर, अपना जीवन सब कुछ त्याग कर डॉक्टर अम्बेडकर की सेवा में लगा दिया, उनकी मृत्यु पर देश में कहीं भी चर्चा नहीं हुई, कहीं भी बड़े कार्यक्रम, शोक सभाएं नहीं हुई। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को उनसे अलग करके प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा प्रयास किया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, लेकिन आज सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, तो बहुत सी सच्चाई जिसे लंबे समय तक छिपाया गया देश के सामने से, देश के नौजवानों से, वह सच्चाई भी सामने आ रही है। और डॉक्टर अम्बेडकर का जो असली दर्शन था, डॉक्टर अम्बेडकर की जो असली शिक्षाएं थी, समाज को जोड़ने का जो उनका प्रयास था, वर्गों के बीच नफरत को समाप्त करके परस्पर सम्मान, सामाजिक समरसता, सामाजिक सहयोग को आगे बढ़ाने का जो डॉक्टर अम्बेडकर का प्रयास था, वो बातें भी अब दुनिया के सामने आने लगी हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी शिक्षाओं पर चला जाए, भारत को मजबूत बनाने का काम किया जाए और सभी वर्गों के बीच परस्पर सम्मान समरसता की भावना को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।